आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। अर्थ युग है। इस युग के अंदर सबको मालूम है, सैकड़ों वर्षों से, जिसमें आप ज्यादा दूर नहीं जाएं, आजादी के बाद से तो विशेष तौर पर केवल धन का महत्व है। मैं यहाँ पे जो वीडियो के अंदर जो बोल रहा हूँ उसको बहुत गंभीरता से सुनना, कम से कम 2 से 3 बार, तब मेरी बात समझ में आएगी, वरना आपको अजीब सा लगेगा। एक सक्षम परिवार जिसमें सभी भाई बहन, माता पिता सब सक्षम है आर्थिक दृष्टि से, लेकिन उसमें एक बच्चा सक्षम भी है लेकिन साथ में भला भी है, आप जो भी समझ लीजिए, कोमल हृदय का है, सबकी आंख उस पे लगी रहती है, जब भी कोई जरूरत हो उसको बोल देते हैं, वो करते करते कोई बात हो उसको देना लेना कुछ नहीं, लेकिन उससे जरूर ले लेंगे, कहीं उसका पैसा लगवा देंगे, वो चाहे उधारी ला के दे चाहे कुछ भी करे, उसको देना नहीं, वही चुकाता फिरेगा। तो आप इस बात पे नोट कर लीजिए, इस तरह से रिश्ते निपते नहीं हैं। आपको मैं रिश्ते तोड़ने के लिए नहीं कह रहा, आप सेवा करिए, जोड़ी रखिए, सब कुछ, लेकिन आर्थिक दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से आपको मजबूत होना पड़ेगा। वो चाहे कुछ भी बोलें, आपके सामने नकली एक्टिंग भी रोने कर जाए, अजीब सा मूव बना लें, कुछ भी कर लें, आपको मालूम है सक्षम है, आप खुद भी जानते हैं। आपको देखो भाई, पैसे को छोड़ के, गारंटी को छोड़कर, बाकी तुम कुछ भी बात करते हो, मैं सब कुछ सेवा करने के लिए तैयार हूँ, वो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप पहले बहुत दे चुके हो। ये उस स्थिति की बात हो रही कि आपका खून सक्षम है, आप पहले बहुत दे चुके हैं, देते जा रहे हैं, बल्कि आपके ऊपर और कर्ज चढ़ गया है, या नहीं भी चढ़ा तो भी क्या कहते हैं, आपके साथ एक अजीब सी स्थिति होगी, पत्नी आप उसके साथ एक वो वाक युद्ध सा, युद्ध समझिए, एक प्रकार का एक तनाव सा बन गया है, बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं तनाव पैदा करते हैं, और आपको बड़ी स्थिति के लिए कि समाज को देख के आप चुप रहते हैं, समाज कुछ नहीं है, समाज आप पर हम है, कौन बोलेगा, आप अच्छा करेंगे तो भी समाज कुछ विशेष नहीं करने वाला, कुछ आप सही ढंग से डिसीजन करके तक कठोर लेंगे तब भी कुछ नहीं बोलने वाला, वो खाली ताने मारता और कुछ नहीं। इसी के साथ ही नमस्कार, मंगल हो, इतने में आशय आप समझ गए होंगे, बाकी आप स्वयं समझदार।